इस चुनावी मौसम में पटना में एक छात्र की हत्या ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। पिछले दिनों बीएन कॉलेज के छात्र हर्ष राज को लॉ कॉलेज के पास लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वैसे इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टूडेंट की मौत के विरोध में मंगलवार यानी 28 मई को पटना विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र छात्रों ने विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में अधिकतर सैदपुर हॉस्टल के छात्र थे, साथ ही अशोक राजपथ को कुछ देर के लिए जाम करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंची और छात्रों को समझाया कि चुनाव का वक्त है और यहां पर हंगामा ना करें। छात्र फिर पटना कॉलेज कैंपस में घुस गए और काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे। काफी समझाने के बाद वहां से फिर लौट गए। इस मामले पर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने हैं। इस दौरान इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बहुत दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर जो है, जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया और जिस तरह से गोली मारी गई एक छात्र को, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए लोगों को। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, कार्रवाई हो रही है, जितना अपराध बढ़ता है इनको अच्छा लगता है। भाजपा के लोग आज तक सृजन घोटाला में क्या हुआ उस पर कार्रवाई नहीं, बालिका गृह कांड पे कोई कार्रवाई नहीं, वो तो हम लोग आंदोलन करके लड़े तब जाकर के कार्रवाई हुई, लेकिन आप देखिएगा अभी भी सब चीज ठंडे बस्ते में। खैर, इन लोगों की मंशा जो है, पूरा जहां भी बीजेपी शासित राज्य है आप देखिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बद से बदतर है। दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, यही राष्ट्रीय जनता दल सरकार में होती तो अब तक बवाल मचा दिए होते, अब तक ये रोड पे लेट करके हाय हाय कर रहे होते, जोर जोर से चिल्ला करके जंगल राज बोल रहे होते। आज कहाँ है ये लोग, क्या कर रहे हैं ये लोग, हाय हाय क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, करना ना चाहिए। देखिए, उसमें पटना पुलिस द्वारा एक विशेष अनुसंधान दल जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया, एएसपी सिटी, एसडीपीओ सिटी 2 और उसके अलावा जो अन्य हमारे सिटी के थानाध्यक्ष हैं, तो हमारी टेक्निकल टीम जो है वो भी उसके साथ लगी, एफएसएल टीम का भी हमको सहयोग मिला। तो उसके साथ हमारे सभी टीमों के कोऑर्डिनेशन से हमने इसमें अभी तक कांड का उद्भेदन किया है। इसमें एक अभियुक्त की हमने गिरफ्तारी कर ली है, अन्य अभियुक्तों की पहचान हो गई है और हमारी जो टीम है वो लगातार सभी अन्य जिलों में भी जाके जो है वो गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और उसके अलावा जो एविडेंस कलेक्शन है वो भी एक टीम हमारी लगी हुई है उसमें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रीजन ऑफ डेथ कॉज क्या अभी तक? देखिए, ये रीजन ऑफ डेथ जो है या कॉज ऑफ डेथ है वो तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा, लेकिन जो मोटिव जो पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि जो पिछले साल जो दशहरा के समय डांडिया नाइट में कुछ इशू हुआ था और उसी में दोनों के बीच में दो गुटों के बीच में झड़प और या फिर बकझक की बात आई थी, उसी को लेके जो है इतने दिनों से इनके मन में जो एक रेवेंज लेने की भावना थी उसी को लेके जो है ये घटना घटित की गई। कोई पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि वो पॉलिटिकली एक्ट था और चुनाव प्रचार? देखिए, अभी तक जो कि इन्वेस्टिगेशन में बात मेन मोटिव की बात ये सामने आई है, अन्य बिंदुओं पे इतनी जल्दी टिप्पणी करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कितने एफआईआर कुछ लॉन्च किए गए हैं? देखिए, एक एफआईआर कल रात को उनके परिजनों द्वारा दी गई थी जो रजिस्टर की गई है, जिसमें उनके द्वारा अज्ञात के विरुद्ध ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात हमारी टीम लगी और उसके बाद अभी इसमें प्राथमिकी अभियुक्त जो प्राथमिकी में जो एविडेंस में हमको आया तो एक मुख्य अभियुक्त को हमने इसमें गिरफ्तार किया। क्या नाम है? चंदन यादव है, पिता जितेंद्र यादव।